तो आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा मोड जिससे आप कोई भी कार इजीली अपने पास अपने माइंड ड्राफ्ट में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है मैं आपके लिए उसे बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एडम्स ऑफ माइंड ड्राफ्ट सर्च करना है, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो करा है। एंड फिर आपको कुछ ये वाला एडम्स ऑफ माइंड ड्राफ्ट, ये फर्स्ट वाला, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। एंड इसके बाद आपको जो भी कर रहा है वो अपना आपको देख लेना है। तो मैं दिखा देता हूँ। सो ये देखो, ये कार है यहाँ पे, आप देख सकते हो काफ़ी तगड़ी तगड़ी क्वालिटी की कार है यहाँ पे। तो आपको जो कार पसंद आए वो आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लिमोजिन भी है और बाकी बहुत कार है यहाँ पे। हर एक टाइप क्वालिटी की आपको कार यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मैंने ये कार यहाँ पे ली, इसे मैं बीवर पैक, और बीवर पैक में डाउनलोड कैसे करना है आपको बस सिंपली सा आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाए, आपको फिर बैक चल जाना है। एंड फिर आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस रिसोर्स पैक में और बीवर पैक दोनों में दिख जाए, तो आपको फिर यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। तो आपको माइनक्राफ्ट में ओपन करने के बाद ही जो आपको अपने माइनक्राफ्ट का जो फेस है कुछ वैसे ही दिखेगा। जैसे आप देख सकते हो मेरा माइनक्राफ्ट पहले वाला है, वो अपडेट नहीं हो रहा। तो जैसे आप देख सकते हो पहले वाली लुक ही है माइनक्राफ्ट की, ऐसी कुछ लुक रहती है। एंड ये देखो पूरा आपका माइनक्राफ्ट आ जाएगा। एंड आपको इस पर प्ले करने के बाद आपको यहाँ पर जाके अपने उस वाले वर्ल्ड में यहाँ पे रिसोर्स पैक में आपको जाना है जल्दी से यहाँ पे जाके। यहाँ पे आपको ये वाला एक्टिवेट कर लेना है। एंड अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। एंड अब आप अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को प्ले कर सकते हो। आप जो देख सकते हो पूरा एकदम माइनक्राफ्ट ही है ये। तो आपको अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में इसे प्ले कर लेना है। यहाँ पे जो जानकारी झाड़ता है, और ये देखो गाइज ये मेरे एक मोड है उसकी कार है, और अभी जो मैंने मोड डाला है उसकी कार आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कार सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कार का सेल्समैन लोगे तो आपको वो दिख जाएगा। लेकिन मैंने जो अभी मोड डाला है वो वाला मुझे लेना है। तो फिर गाइज रुकना है एक सेकंड, में अभी आया। हाँ सो गाइज यहाँ पे देखो मैंने ये कार स्पॉन यहाँ पे कर दिए हैं, और आपको ये क्रिएटिव में तो आप इन्हें स्पॉन कर सकते हो, लेकिन आपको अगर इन्हें सर्वाइवल में समन करना है ठीक है, तो आपको फिर कुछ इस तरीके से, आप अगर सर्वाइवल में खेल रहे हो तो आपको यहाँ पे सीधा से यहाँ पे आप SUV करके यहाँ पे अपनी SUV सर्च करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक SUV प्लेस कर दिया है। लेकिन अगर आप सर्वाइवल में हो तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं, बस आपको इसे समन करना पड़ेगा, बोलने वाला बच्चा, या आपको बोलने वाला बच्चा यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसे हर जगह लावी आ रहा है, वो यहाँ पर डायमंड ब्लॉक है, बट इधर ये देखो ये तो बच्चा है। तो ये आपको ट्रेड में कार्स दे देगा। जैसे आप देख सकते हो 16 एमराल्ड में ये एक न्यू कार अनलॉक इसने करी है। तो जल्दी से मैं एमराल्ड लेता हूँ। ये लिया मैंने एमराल्ड। एमराल्ड लेने के बाद भैया ट्रेड देना, मैं ज़रा इस कार को देने दो। तो इसने एक नई ट्रेड दी है, तो इस वाले को मैं कैद करे रहूँगा, इनकी तरह नहीं करूँगा। अब इनकी तरह इनके साथ क्या हुआ है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सो ये देखो आइसक्रीम ट्रक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, और आपको और टाइप के आप यहाँ पे समन कर सकते हो। अगर ये अब अगर आप क्रिएटिव में हो तो आपको ऐसे आइसक्रीम, अब मैं आपको वो राइड करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली सा अपना जो कर्सर है उसे इस पर, कर्सर कह लो कुछ भी कह लो, उसे इस पर थोड़े टाइम के लिए रखना है। एंड फिर ये आपकी
गाड़ी में आप बैठ जाओगे। अगर आप पीसी में खेल रहे हो तो कर्सर कह सकते हो आप इसे, फ़ोन में खेल रहे हो तो अपना फिंगर कह सकते हो या फिर थंब कह सकते हो। और आप देख सकते हो कि क्या आइसक्रीम, और अगर आप पीसी में हो तो आपके सामने जो भी आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन आप किसी मॉब को नहीं मार सकते, बस आप जोम्बी वगैरह को मार सकते हो, क्रीपर वगैरह को, जो कि डेंजरस मॉब होते हैं, तो आप सिर्फ उन्हें मार सकते हो और आप इस इनसे किसी को नहीं मार सकते। और जैसे कि आप और देख लो, और मैं अभी काफ़ी टाइप की यहाँ पे समन करता हूँ वही सेलर मैंस, तो मैं आपको समन करने के बाद, सो गाइस मैं समन कर, ये एक मैंने समन कर दिया है, ये भी आपको कोई नई कार दे रहा होगा, जैसे कि ये एमरल्ड में देते हैं, तो सब कुछ आपको सबसे पहले अपनी पूरी इन्वेंट्री में एमरल्ड भर लो, फिर आपको इससे ट्रेड लेनी है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ये तो कैम्ब, ये आइसक्रीम मैन की जगह ये दे रहा है, और ये सामान देखो गाइस, ये तो फिर ज़्यादा महंगा है। अब मैं एक सेलर मैन भी यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी कार सेलर मैन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे आपको बस इन्हें समन करते जाना है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो भाई हैं ये कुछ ऐसी ऐसी ट्रेड दे रहे हैं, और फिर आप इन्हें भी भगा दो, नया समन करो, नया भी कुछ अच्छी नई ट्रेड देते हैं, तो ये आपको ऐसी ट्रेड देते रहेंगे, तो इनका तो हो गया। अब बात आती है आपको क्रिएटिव में कैसे लेना है, ये देख सकते हो आप, इसे ओपन भी कर सकते हो। और अब बात आती है कि आपको इसे क्रिएटिव में कैसे लेना है, क्या लेना है आपको, आई है आइसक्रीम वैन, नहीं आइसक्रीम वैन है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है आइसक्रीम, इसका नाम क्या है। अभी गाइस मैं इसे पहले इसको मैं खल्लास करता हूँ, इसे मैं तोड़ता हूँ, फिर इसका मैं नाम देखता हूँ गाइस। सो बस आपको यहाँ पे स्पॉन आइसक्रीम, आपको सिर्फ यहाँ पे स्पॉन लिखना है, और सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये, आपको इन सब से कुछ मतलब नहीं रखना, बस आपको इससे मतलब रखना है। सो आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाता है। और अब अगर लोग बोल रहे होंगे ये ब्लैक से क्या है, तो ये पता नहीं क्या था, वो भूत था। सो ये आ चुका है आपके हाथ में, आपका आइसक्रीम ट्रक, और ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो ट्रेन में, मतलब जैसे, और इन पे अगर राइड करने की बात रही तो राइड करने में तो इनमें जो मज़ा आता है वो मज़ा पूछो ही मत, क्या अलग है। आप मतलब आपके सामने कोई घास वास आ जाए आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, देखो सब कुछ तोड़ डालेंगी ये गाड़ियाँ, देखना पार्ट से देखो वहाँ पे पूरा उसने तोड़ दिया, ये तोड़ के निकल गई। आपको ना इससे बस थोड़े डायमंड ब्लॉक वगैरह, थोड़े जो हार्ड, ये ऐसे पत्ती वगैरह तो ये तोड़ देती है, देखो वहाँ पे एप्पल भी गिर गया है, देखो गाड़ी स्टार्ट है तो उससे धुआं निकल रहा है, और ये देखो गाइस इससे आप इससे तोड़ सकते हो कुछ भी, वैसे इसे तोड़ना नहीं है, इसे चलाना है मेन। और ये देख सकते हो आप, अगर ये, और काफ़ी सारे मोड ऐसे रहते हैं, ये एक ऐसा मोड है जिसमें कार पानी में डूबने के बाद टूटेगी नहीं, हाँ वो ऊपर नहीं आएगी वो अलग बात है, लेकिन वो टूटेगी नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो वो पानी में गिरेगी लेकिन वो बस टूटेगी नहीं, उसमें जंग लग जाएगी, जंग वगैरह कुछ नहीं लगेगी। और आप ऐसे किसी मॉब, किसी भी मॉब को नहीं मार सकते, आप सिर्फ उन्हीं मॉब को मार सकते हो जो आपको हार्म करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बस पानी से थोड़ा बचाना पड़ेगा, क्योंकि पानी में डूब जाती हैं अगर गहरा पानी हुआ तो, वरना अगर ऐसे छोटा मोटा पानी हुआ तो आप उसके ऊपर से उसे पार करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर तो आप इसे मस्त भगाओ। और आप इसमें बैठे बैठे भी कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने कर दिया यहाँ पे कैमरल ब्लॉक पे, एंड अभी इसे तोड़ भी दिया, पट से मैंने उसे मार
आप कुछ भी कर सकते हो इसमें बैठे बैठे। और आप देखो इसकी इन्वेंटरी भी ओपन कर सकते हो, बस इसका कोई काम है नहीं, बस आप एक अपनी इन्वेंटरी आप गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे ओपन कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे इस पैन को यहाँ से हटाना है, एप्पल को लेना है, एंड फिर अगर आपको ऐसे भूख भूख लग रही हो तो आप ऐसे मस्त खा सकते हो अपना। और जब ये रिवर आ जाती है तो आपको रिवर के साइड से ले जाना है, रिवर से नहीं ले जाना, आपकी वैन चल देगी। देखो ये पार कर गई ना, मतलब एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, जैसे कि ये पानी के अंदर भी ये चलती है, पानी के अंदर भी आपको ये चलाते हुए आप इसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपको एक प्रॉपर रास्ता होनी चाहिए, मतलब जैसे कि देखना मैं इसे उतरा यहाँ पे, एक दो। अब यहाँ पे मैंने अपनी फिर ये वैन में मैं बैठा, एंड अब देखो ये इस दीवार को पार नहीं कर पा रही, पर अगर मैं इसकी ये ब्लॉक तोड़ दूँ तो यहाँ से पार करके चल जा रही है। बस ऐसे ही कुछ इसमें सीन रहता है। सो गाइस आई होप आपको ये मोड अच्छा लगा हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो या फिर ये मोड आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और मैं ऐसी मोड आपको लाते हुए दूंगा, और काफ़ी सारी गेमिंग्स की वीडियो भी मैं आपको दूंगा। तो गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल लर्न टेक एंड एवरीबॉडी एंड बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर कर देना।